नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श विद्या निकेतन खींवसर के इस यूट्यूब चैनल पर। हम जो 10th क्लास का जो पार्ट चला रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का, उनका आज चौथा पार्ट लेके आए हैं। और चौथा पार्ट है हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। तो ध्यान रखना, इस पार्ट में से जो सवाल पूछा जाता है वो एक सवाल पूछा जाता है, और वो भी कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो 6 नंबर का इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी प्रश्नावली 4.1 है, 4.2 है और विविध है। छोटे क्वेश्चन बहुत कम दे रखे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का मार्क है वो एक ही क्वेश्चन आएगा, वो 6 नंबर का आएगा, इसलिए ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इस प्रश्नावली में देखेंगे, वो पहले क्या देखेंगे कि दो चरों वाला आपको क्या दे रखा होगा? रैखिक समीकरण दे रखे होंगे, ठीक है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण दे रखे होंगे, उनमें चर राशियाँ दे रखी होगी, वो आपके पास कितनी दे रखी होगी? 2। और समीकरण भी आपको कितनी दे रखी होगी? 2। हमेशा ध्यान रखना, जितनी चर राशियाँ होती है उनको हल करने के लिए हमें उतने ही समीकरणों की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण दे रखे, जब चार राशियाँ आपके पास 2 है तो उसके लिए समीकरण भी आपको कितना देगा? 2। जिन्हें हम क्या बोलेंगे? समीकरण युग्म बोलेंगे, समीकरण युग्म। समीकरण युग्म दे रखे होंगे आपको 2, और उन समीकरण युग्मों की सहायता से आपको उनको क्या करना है? ग्राफी विधि से हल करना और उनके क्या ज्ञात करना है? मान ज्ञात करना, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि समीकरण युग्म दे रखा होगा वो किस रूप में दे रखा होगा। तो ध्यान रखना, समीकरण युग्म दे रखा होगा उसका मानक रूप होता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक x वाला पद दे रखा होगा और उसका गुणांक दे रखा होगा, एक कांस्टेंट दे रखा होगा जिसे हम a1 मान लेंगे। एक पद दे रखा होगा, वो किसका दे रखा होगा? y का, और उसके गुणांक को हम क्या मान लेंगे? b1। और एक कांस्टेंट दे रखा होगा सीधे, उसको क्या मान लेंगे? c1। और बराबर मान दे रखा होगा, समीकरण है तो बराबर में क्या होगा? 0 होगा। दूसरा समीकरण होगा, हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। दूसरा रूप दे रखा होगा वो किस तरह का हो जाएगा? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब जो समीकरण दे रखे होंगे उनकी हम तुलना करेंगे इन मानक समीकरणों से, जो समीकरण युग्म का मानक रूप है इनसे तुलना करेंगे, और हम किसके मान ज्ञात करेंगे? a1 b1 c1 a2 b2 और c2। ये जो 6 राशियाँ हैं इन 6 कॉन्स्टेंटों का हम क्या ज्ञात कर लेंगे? मान ज्ञात कर लेंगे। और 6 कॉन्स्टेंटों का जब मान ज्ञात होगा तो फिर हम देखेंगे कि जो समीकरण युग्म दे रखा होगा वो समीकरण युग्म की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है ना। जो समीकरण को हल करेंगे तो उस निकाय, जो समीकरण निकाय, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो इसके लिए ध्यान रखना, हम मान ज्ञात करेंगे a1 बट्टा a2 का, ठीक है। पहले समीकरण का x का गुणांक और दूसरे समीकरण का x का गुणांक, और उन दोनों का क्या ज्ञात कर लेंगे? अनुपात। इसी तरह पहले समीकरण का y का गुणांक और दूसरे समीकरण का y का गुणांक, और उनका क्या ज्ञात करेंगे? अनुपात। तीसरे जो पहला समीकरण दे रखा उसका कॉन्स्टेंट और दूसरे समीकरण का कांस्टेंट, और उनका क्या ज्ञात करेंगे? अनुपात ज्ञात करेंगे। तीन मान ज्ञात करेंगे हम, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2। फिर उनके मानों की तुलना करेंगे, और ये जो मान आएंगे वो तीन तरह से हमें मान प्राप्त होंगे, और फिर उन मानों की सहायता से हम देखेंगे कि समीकरण निकाय होगा वो संगत होगा या असंगत होगा, समीकरण के हल होंगे वो क्या होंगे? ये द्वितीय हल होंगे या अनंत हल होंगे या कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो तीन शर्तें देखो इसकी दे रखी होगी। पहली शर्त होगी वो क्या आएगी आपके पास? एक शर्त आ सकती है, वो ये आ सकती है कि a1 बट्टा a2 का मान किसके बराबर नहीं होगा? b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होगा। जो पहला अनुपात निकालेंगे a1 और a2 का अनुपात, वो कभी भी किसके बराबर नहीं होगा? अगर b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं होता है तो आपको इन समीकरण युग्म की सहायता से आप क्या कह सकते हो कि समीकरण निकाय है वो कैसा होगा? संगत होगा। समीकरण निकाय संगत होगा, समीकरण निकाय हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? संगत। और इसका अद्वितीय हल होगा, इसका एकमात्र हल आएगा, और उस हल को हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? ग्राफी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2 का अनुपात अगर बराबर नहीं होता है तो समीकरण निकाय कैसा हो जाएगा? s संगत हो जाएगा और अद्वितीय हल होगा। फिर एक मान आएगा वो आपके इस तरह आ सकता है कि अगर a1 बट्टा a2 का मान बराबर हो किसके? b1 बट्टा b2 के, और बराबर हो किसके? c1 बट्टा c2 के। तीनों मान अगर क्या रखे हो, a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2, तीनों मान अगर क्या आ रखे हो? बराबर आ रखे हो, तो ध्यान रखना समीकरण निकाय कैसा रहेगा? संगत ही रहेगा, ठीक है ना। समीकरण निकाय संगत,
और हल होंगे वो कितने होंगे, अनंत हल होंगे। हम कितने भी मान ज्ञात कर सकते हैं, एक्स का अपाक मान कितने कोई भी मान रखेंगे वो समीकरण संतुष्ट करेगा, और वाई का भी कोई भी मान रखेंगे तो वो दोनों समीकरण निकाय को संतुष्ट करेगा। तीसरी प्रकृति होगी वो आपके पास हो सकती है कि ए वन बट्टा ए टू का मान किसके बराबर हो सकता है, बी वन बट्टा बी टू के बराबर हो सकता है, लेकिन सी वन बट्टा सी टू का मान क्या नहीं होगा, बराबर। पहले दो मान तो आपस में क्या आएंगे, बराबर, ए वन बट्टा ए टू का अनुपात और बी वन बट्टा बी टू का अनुपात बराबर रहेगा, लेकिन सी वन बट्टा सी टू का मान क्या नहीं रहेगा, बराबर। तो ध्यान रखना समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत होगा, समीकरण निकाय असंगत और कोई हल नहीं होगा। तीन प्रकृति देख ली हमने, पहले में क्या देखा कि समीकरण निकाय संगत और अद्वितीय हल, मतलब एक ही हल आएगा, एक ही मान किसका आएगा, एक्स का, और एक ही मान किसका आएगा, वाई का। अगर ये शर्त पालन होती है तो समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत, और हल आएंगे उनकी संख्या कितनी होगी, अनंत होगी, ठीक है ना, निश्चित होगी। कितने भी हल हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरी निकाय ये दे रखा होगा, अगर ए वन बट्टा ए टू का मान तो बराबर होगा बी वन बट्टा बी टू के, लेकिन किसके बराबर नहीं आ रहा हो, सी वन बट्टा सी टू के बराबर नहीं आ रहा हो, तो समीकरण निकाय कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा और उसका कोई हल ज्ञात नहीं कर सकते। जब इनकी हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो इनकी रेखाएं होगी वो क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ध्यान रखना तीसरी शर्त भी है, अगर ये शर्त पालन हो रहा है समीकरण युग्म के लिए तो रेखाएं यहाँ क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ रेखाएं होगी वो एक दूसरे की क्या आएगी, संपाति आएगी। संपाति मतलब पहली रेखा होगी उसी के ऊपर क्या हो जाएगी, दूसरी रेखा को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो रेखाएं कैसी होगी, संपाति होगी। और इसके लिए रेखा देखो कोई हल नहीं हो रहा है, कोई हल नहीं हो रहा मतलब रेखाएं वो चलेगी, वो कैसी चलेगी, समांतर होगी। जो दो रेखाएं बनाएंगे एक पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से जो रेखाएं बनाएंगे वो रेखाएं आपस में कैसी होगी, समांतर। समांतर होगी मतलब वो कहीं पे भी क्या नहीं करेगी, प्रतिच्छेद। और जब प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो रेखाएं क्या नहीं, उनका क्या नहीं ज्ञात कर सकते, हम हल ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना समीकरण युग्म की पहले हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दे रखा होगा वो कैसे दे रखा होगा, दिए गए समीकरण युग्म की तुलना करके बताइए कि समीकरणों का हल कैसा होगा और ग्राफीय विधि से इन समीकरणों को क्या क्या कीजिए, हल कीजिए। तो पहले आपको तुलना करनी है, जब तुलना करेंगे तो आपको ये मान देखने और फिर ये लिख देना, अगर ये वाली शर्त हो रही है तो ये तीनों शर्तें लिखना है, ये इस शर्त का पालन हो रहा है तो ये लिखना है, और इस शर्त का पालन हो रहा है तो ये लिखना है। देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई बराबर 4, और अगला इक्वेशन दे रखी है वो आपको दे रखी है x प्लस वाई बराबर माइनस का 1 दे रखा है। इन समीकरण युग्म की आपकी तुलना करनी है अनुपातों की, और फिर आपको चेक करना है कि समीकरण युग्म कैसा होगा, जो समीकरण होगा समीकरण निकाय वो संगत होगा या असंगत होगा, उसके हल किस तरह होंगे, उसकी रेखाएं किस तरह होगी, और ग्राफीय विधि से या आलेखीय विधि से इन समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। तो देखो इस समीकरण यहाँ क्या आ रखा, प्लस का 4 आ रखा बराबर में, तो इधर आके ये 4 किसका हो जाएगा, माइनस का, और इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 0। यहाँ देखो क्या आ रखा, माइनस का 1 आ रखा है, तो इसको इधर लेके आ जाएंगे और बराबर क्या कर देंगे, 0, ठीक है ना। इसको हल कर लिया और बराबर में हम क्या बना लिया, 0 बना लिया। अब देखो इसकी क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे समीकरण निकाय की मानक समीकरण युग्म से तुलना करने पर हम क्या करेंगे, जो समीकरण निकाय दे रखा है उसकी मानक समीकरण युग्म से क्या करेंगे, तुलना। मानक समीकरण युग्म क्या होता है, पहला समीकरण आपके पास इस तरह का होता है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण होता है वो आपको इस तरह लिख सकते हो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। इस तरह आप दो रूप लिख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था मानक समीकरण रूप आ जाएगा। अब ए वन का मान है, देखो यहाँ पहले समीकरण से तुलना करो, x के साथ में यहाँ क्या दे रखा है, ए वन, तो यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के साथ में यहाँ कितना दे रखा है, पहले समीकरण से, ये पहला समीकरण है, यहाँ x के साथ a1 दे रखा है, और यहाँ x के साथ कितना दे रखा है, 2। यहाँ y के साथ कितना दे रखा है, b1। यहाँ y के साथ देखो क्या है, कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन चिन्ह दे रखा है वो किसका दे रखा है, माइनस का चिन्ह दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b1 की वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, माइनस की 1, क्योंकि यहाँ b1 किसका है, प्लस का है, जबकि यहाँ संख्या दे रखी है वो क्या दे रखी है, माइनस का y दे रखा है, तो इसलिए b1 का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1। C1 का मान देखो, C1 यहाँ क्या दे रखा, प्लस का C1 दे रखा है, जबकि यहाँ मान दे रखा वो क्या दे रखा, C1 की जगह माइनस का 4, तो C1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस की 4। इसी तरह A2 की वैल्यू, अब इसकी तुलना करेंगे वो किससे करेंगे, दूसरे समीकरण से, x के साथ में यहाँ कितना दे रखा है, कुछ नहीं मतलब 1 मान लेंगे,
बी टू वाई के साथ में यहाँ क्या दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा, मतलब एक मान लेंगे। और सी टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ सी टू और यहाँ कितना दे रखा है, एक, तो सी टू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एक, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे अनुपातों से अनुपात निकालेंगे, जो इनके गुणांक दे रखे हैं उनके अनुपात निकालेंगे। तो हम पहले किसका निकालते हैं, ए वन बट्टा ए टू का कितना आएगा, दो बट्टा एक बराबर क्या आ जाएगा, दो। ए वन बट्टा ए टू का मान कितना आ गया हमारे पास, दो। इसी तरह बी वन बट्टा बी टू कितना आएगा, माइनस एक बट्टा एक बराबर किसका आएगा, माइनस का एक। सी वन बट्टा सी टू की वैल्यू, सी वन बट्टा सी टू कितना आएगा, माइनस चार बट्टा एक बराबर कितना हो जाएगा, माइनस चार। अब आप बताओ कि ए वन बट्टा ए टू, बी वन बट्टा बी टू और सी वन बट्टा सी टू तीनों की वैल्यू बराबर है क्या, नहीं है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास पहले दो ही सही हमें, तो ए वन बट्टा ए टू का मान अगर किसके बराबर नहीं है, बी वन बट्टा बी टू, ये हमारे पास शर्त का पालन हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे ए वन बट्टा ए टू इक्वल नहीं है किसके, बी वन बट्टा बी टू के, अतः समीकरण, ये शर्त होती तो क्या होता है, अतः समीकरण निकाय संगत होगा, ठीक है ना। समीकरण निकाय कैसा होगा, संगत होगा, हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय मतलब उसका एक हल होगा। और एक मान किसका ज्ञात कर सकते हैं, एक्स का, और एक ही मान किसका ज्ञात कर सकते हैं, वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ग्राफ में जो रेखाएं आएगी, ग्राफ में जो आलेखीय निरूपण करेंगे उसमें रेखाएं क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ग्राफ में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ग्राफ में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो ये तीन देखो शर्तें, अगर ए वन बटा ए टू का मान बराबर नहीं आता है तो ये आपको ये लिखना जरूरी है कि अगर इस शर्त का पालन होता है तो जो हल आएगा वो किस तरह का आएगा, समीकरण निकाय कैसा होगा और रेखाएं होगी वो किस तरह की होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि समीकरण अगर ए वन बटा ए टू का मान बी वन बटा बी टू के बराबर नहीं आ रहा है तो ये लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो अब इसको हम कर लेते हैं ग्राफी विधि से हल। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए आपको वहाँ पर ग्राफ पेपर उपलब्ध रहेगा, उस ग्राफ पेपर में समीकरण को क्या करना है, हल करना है। ये दो समीकरण आपके पास है, तो जब ग्राफ की विधि से हल करेंगे तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम तो जो ग्राफ है उसके इस साइड में आपको पैमाना लिखना जरूरी है, ध्यान रखना पैमाना लिखना जरूरी है। अगर पैमाना नहीं लिखोगे तो हो सकता है आपके एक आधा नंबर काट सकता है, ठीक है। तो पैमाना लिख देंगे यहाँ पर। तो पैमाने में आपको क्या लिखना है, पहले लिखना है एक्स एक्स पर आप क्या पैमाना ले रहे हो वो भी लिखोगे, और फिर लिखोगे वाई एक्स पर क्या ले रहे हो वो भी लिखना है। अब देखो ये पैमाना किस आधार पर लिखना है, तो पहले आपको इसको क्या करोगे, आलेखीय विधि से इन समीकरणों को क्या करोगे हल। तो पहले मैं लिख देता हूँ समीकरण एक से, समीकरण एक दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, दो एक्स माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है, चार। समीकरण एक में क्या दे रखा है आपको, दो एक्स माइनस वाई बराबर किसके बराबर दे रखा है, चार के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से दो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, देखो वाई इधर किसका है, माइनस का, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो चार प्लस क्या हो जाएगा, वाई। यहाँ से एक्स का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, चार प्लस वाई बट्टा दो। इस समीकरण को जब आप समीकरण नंबर एक को हल करोगे तो आपके एक्स का मान एक मान ज्ञात कर लेना, ठीक है ना। चाहे वाई का मान ज्ञात कर लेना एक्स के रूप में, या एक्स का मान ज्ञात कर लेना वाई के रूप में। हमने यहाँ क्या ज्ञात कर लिया, एक्स का मान ज्ञात कर लिया किसके रूप में, वाई के रूप में। अब आपको ये क्या करना है, सारणी बनानी है, इस तरह की सारणी बनानी है, ज़्यादा नहीं तीन ही बॉक्स बना लेना बहुत है, ठीक है। एक लिख देना यहाँ पर एक्स और यहाँ लिख देना वाई। अब देखो जब आप इसमें वाई का मान रखोगे तो किसका मान प्राप्त होता जाएगा आपको, एक्स का मान प्राप्त होता जाएगा, ठीक है। तो वाई का मान अगर मैं यहाँ क्या रखता हूँ, इस तरह का मान रखना है कि बट्टे वाली संख्या का भाग चला जाए, तो यहाँ वाई का मान क्या रख देता हूँ, जीरो, छोटी संख्या ही रखना ताकि आसान हो जाए। तो वाई का मान मैंने क्या रख दिया, जीरो। जब वाई का मान जीरो रखेंगे तो इसको हल करो, देखो चार प्लस वाई की जगह जीरो, तो चार प्लस जीरो कितना हो जाएगा, चार, और चार में दो का भाग कितनी बार जाएगा, दो बार। तो एक तो मान हमारे पास कितना आ गया, वाई का मान जीरो होगा जहाँ बिंदु पर, वहाँ एक्स का मान हमारे पास कितना होगा, दो। अब क्या रख सकते हो वाई का मान, देखो अगर एक रखता हूँ तो चार और एक पाँच बटा दो, ये पॉइंटों में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या कर देते हैं, दो रख देते हैं। तो यहाँ रख दिया मैंने दो वाई का मान। जब दो रखेंगे तो चार प्लस वाई की जगह दो, तो चार और दो छः, छः में दो का भाग कितनी बार जाएगा, तीन बार। छः में दो का भाग कितनी बार जाएगा,
तीन बार। तो एक हमारे पास जब पहले समीकरण को हमने हल किया तो ये सारणी हमारे पास बन गई। अब इसी तरह फिर किसको करेंगे, दूसरी समीकरण को हल करेंगे। दूसरा समीकरण आपके पास क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, माइनस का एक। यहाँ लिख देंगे समीकरण दो से, पहले इनको दे देना समीकरण, ये एक है हमारा और ये समीकरण दो है। तो x बराबर देखो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस का एक है और y इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। तो x का मान किसके रूप में आ गया, y के रूप में आ गया। सारणी बना लेते हैं समीकरण दो से, तो ये सारणी बना ली हमने, यहाँ x और यहाँ वैल्यू y, कुछ भी मान रख दो, बट्टा में तो कुछ दे नहीं रखा है तो भाग वाला कोई लफड़ नहीं होगा। तो y जगह क्या रख देता हूँ, पहले जीरो, y की जगह जब जीरो रखा तो x की जगह आपके पास कितना आया, y की जगह जीरो, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, और यहाँ क्या हो गया, माइनस का एक हो गया। अब y की जगह क्या रख देता हूँ, अगर एक रख देते तो एक रखेंगे देखो माइनस एक और यहाँ माइनस एक, टोटल माइनस के कितने बन जाएंगे, दो। तो जब आपने y की जगह एक रखा तो x की वैल्यू आ गई, वो आपके पास कितनी आ गई, माइनस की दो। तो समीकरण दो से आपके पास ये सारणी बन गई और समीकरण एक से ये सारणी बन गई। देखो मान छोटे आ रहे तो आप क्या करोगे, ग्राफ में जो प्रत्येक बड़ा खाना होता है उसमें कितना कितना लेते चलोगे, एक एक ले सकते हैं। आप इस तरह जैसे ग्राफ दे रखा है, यह आपके मूल बिंदु होगा और जिसके निर्देशांक वो कि क्या हो जाएंगे, जीरो कोमा जीरो। यहाँ एक्स होगा, यहाँ एक्स की वैल्यू इधर किसकी चलेगी, एक्स की, नेगेटिव। इधर वाई होगा और वाई की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होगी इधर, और नीचे की तरफ वाई की वैल्यू आएगी, वो आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब समीकरण एक से देखो, यहाँ एक बिंदु आएगा उसमें x का मान कितना आएगा, दो, और y का मान कितना आएगा, जीरो। एक बार यहाँ मार्किंग कर देता हूँ मैं, एक दो तीन चार पाँच, इसी तरह इधर एक दो तीन चार, इधर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, या माइनस एक माइनस दो माइनस का तीन, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकी क्या कर दी, हमने मार्किंग कर दी। अब आपको बिंदु लेकर चलना है, तो पहला बिंदु देखो आप लेना, वो क्या लेना है, एक्स का मान दो और वाई का मान कितना लेना है, जीरो, ठीक है ना। एक्स का मान दो और वाई का मान जीरो, तो एक्स का मान दो मतलब एक्स की तरफ कितना चलना है, दो, और वाई की तरफ कितना चलना है, जीरो। एक्स की तरफ दो, एक और दो, वाई की तरफ जीरो चलना मतलब चलना नहीं, तो यही पॉइंट हो जाएगा, वो आपकी क्या हो जाएगा, इस पर एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दो, और वाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जीरो। तो इस बिंदु को आप दर्शा देना ए, ठीक है ना। इस बिंदु को हम क्या ले रहे हैं, ए, जिसके निर्देशांक क्या है, दो कोमा जीरो। इस पॉइंट को हम बी लेंगे, बी के निर्देशांक क्या है, पहले एक्स वाला निर्देशांक लेते हैं, तो एक्स का मान तीन और वाई की मान दो। एक्स का मान तीन मतलब एक्स की तरफ कितने आएंगे, तीन, तो एक दो और तीन, और वाई की तरफ कितना जाना है, दो, तो एक और दो। तो यहाँ मिलेंगे दोनों लाइन में, वहाँ पर लाइन खींची हुई होगी आपके पास ग्राफ में, तो ये पॉइंट हो जाएगा, उसके निर्देशांक आपके पास क्या हो जाएंगे, तीन कोमा दो, और इस पॉइंट को आप क्या ले रहे हो, बी ले रहे हैं। अब इनको क्या कर देना, आपको इसको और इसको मिलाते हुए एक सीधी रेखा स्केल की सहायता से खींच देनी, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक रेखा खींच देंगे इस तरह, यह आपके पास क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी। इस रेखा पर समीकरण लिख देना, किस समीकरण से हल कर रहे हो, पहले समीकरण से, ये तो पहला समीकरण लिख देना, दो एक्स माइनस वाई बराबर चार, यह आपके पास पहला जो पहली रेखा थी वो हल हो गई और हमने इस पर ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। अब दूसरी, इस बिंदु का पी मान लेना दूसरे समीकरण के लिए, और इसको मान लेना क्यू। पहला पॉइंट क्या लेना, एक्स की तरफ माइनस एक और वाई की तरफ जीरो, तो एक्स की तरफ माइनस एक मतलब इस साइड चलेंगे, तो यहाँ माइनस एक और वाई की तरफ जीरो मतलब नहीं चलना है, तो ये आपके पी हो जाएगा, और इसका निर्देशांक लिख देना माइनस एक कोमा जीरो। दूसरा, एक्स का मान कितना लेना है, माइनस का दो, और वाई का मान कितना लेना है, प्लस का एक, तो एक्स का मान माइनस का दो, तो एक और दो, या माइनस का, और वाई का मान किसका लेना, प्लस का एक, तो प्लस का एक इधर होगा, यहाँ पर एक कोई पॉइंट मिलेगा, और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, माइनस दो कोमा एक, और इस बिंदु को आप क्या दे दोगे, नाम क्यू नाम दे देंगे, ठीक है ना। इस बिंदु को क्या नाम दे देंगे, क्यू। अब इसी तरह इनको भी आप क्या कर दोगे, मिला देंगे। अब इस समीकरण दे रखा है, इसके क्या हो जाएगा, इस कौन सा समीकरण है, ये वाला, एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक, ये इस पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब चेक करेंगे कि ये रेखाएं आपस में काम पर मिल रही है, जहाँ पर मिलेगी
वो ये समीकरण निकाल का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसको आप सीधा यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये जो लगभग मिलेगी वो इस तरफ होगी, x का मान होगा वो यहाँ पे किसके तरफ मिलेगा, एक की तरफ स्केल की सहायता से मिलोगे तो, और y का मान होगा वो किस तरफ मिलेगा, माइनस दो की तरफ, ठीक है ना। ये यहाँ पे कोई पॉइंट होगा उस पर मिलेगा, x का मान रहेगा एक और y का मान रहेगा वो कितना रहेगा, माइनस का दो। तो ये पॉइंट यहाँ पे काट देना और इस पॉइंट को लिख देना, एक कोमा माइनस दो लिख दिया, यहाँ नीचे लिख देना ग्राफ के नीचे अत रेखाएं बिंदु एक कोमा माइनस दो पर प्रतिच्छेद करती है। कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक कोमा माइनस दो पर प्रतिच्छेद करती है। अतः समीकरण निकाय का हल होगा वो क्या हो जाएगा, x की तरफ किस बिंदु पर काट रही है, एक पर, और y के लिए किस पर काट रही है, माइनस दो पर। तो अतः समीकरण निकाय का हल x बराबर एक तथा y बराबर माइनस का दो होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा हल। ध्यान रखना रेखाएं जब खींच रहे हो तो स्केल का ही, स्केल और पेंसिल की सहायता से यूज़ करना, ताकि काटेगा वो बिंदु एकदम एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका समीकरण का हल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दे रखा, वो आपको क्या दे रखा है, ए समीकरण वाला दे रखा, ठीक है ना। समीकरण वाला हमने हल कर लिया, ए समीकरण दे रखा आपको 2x + 3y < 6, ठीक है ना। कि अगर इसका मान होगा वो हमेशा इस 6 से क्या होगा, छोटा, या 6 से क्या होगा, बराबर हो सकता है, 6 से कभी भी क्या नहीं जाएगा, बड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए आपको सुसंगत हल क्षेत्र को क्या करना है, दर्शाना है कि इस, अगर ये इस तरह की ये समीकरण रखी हो, ध्यान रखना यहाँ बराबर चिन्ह आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, समीकरण, और अगर यहाँ इसका लेस देन या ग्रेटर देन का चिन्ह आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये समीकरण बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है 2x + 3y < ये छोटे वाले चिन्ह है, तो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन मतलब छोटा भी है और बराबर भी है, किस से, 6 से। तो ये पास हमारे पास क्या दे रखी है, ये समीका दे रखी है। अब इस समीका को कैसे हल करते हैं, वही आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ पर पैमाना दर्शाना है, ठीक है ना। ग्राफ पर पैमाना दर्शा देंगे, जैसे यहाँ मैं ले रहा हूँ 0.0 है, 1, 2, 3, 4 इस तरह चलता रहेगा। या मैंने जैसे +1, +2, +3 या -1, -2, -3 या -1y - 2y - 3 इस तरह चलेगा। पैमाना यहाँ लिख देंगे, कितना कितना ले रहे हैं, एक एक ले रहे हैं। तो x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, ठीक है। एक इकाई मतलब एक यूनिट ले रहे हैं, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मीटर हो, कोई भी एक एक ले रहे हैं। y अक्ष पर भी क्या ले रहे हैं हम, एक बड़ा खाना, एक एक की जगह एक एक ले रहे हैं। अगर यहाँ हम 10-20 ऐसे बड़े मान होते तो हम 10-20 चलते, तो हम क्या लिख देते कि एक बड़ा खाना बराबर 10 इकाई। लेकिन यहाँ भी अब कितना ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, तो वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, ठीक है ना। इस तरह आप इसका क्या लिख दोगे, पैमाना लिख देंगे। अब इसको आप एक समीकरण दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 2x + तो पहले यहाँ लिख देना ए समीका को समीकरण में बदलने पर, ए समीका को समीकरण में बदलने पर। अभी तक पहले क्या दे रखी है आपको, ए समीका दे रखी है, तो इसको किस में चेंज करेंगे हम, समीकरण या इक्वेशन में चेंज करेंगे। जब इक्वेशन में चेंज करेंगे तो ये जो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू का चिन्ह दे रखा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, बराबर। तो ये आप लिख सकते हो कि 2x + 3y और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। अब वही तरीका करना पहले वाले क्वेश्चन में किया था, क्या करेंगे सारणी बनाने वाला, तो पहले हम x का रूप में मान लेके आ जाते हैं, तो 2x = 6 - 3y, या फिर x की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, 6 - 3y, और यहाँ देर का गुणा में 2, तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब इसकी हम क्या कर लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। तो ये हमने सारणी बना ली, x y का मान रखेंगे, किसका मान आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा। y का मान 0 रख देता हूँ, देखो y का मान जब 0 रखेंगे तो 6 - 3 × 0/2, ये रब कार्य करते रहना, 3 - 0 कितना होगा, 0, 6 - 0 घटाएंगे 6 में 2 का भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो y का मान 0 रखा तो x का मान आपके पास कितना आया, 3। अब देखो क्या मान रखते हैं कि 2 का भाग चला जाए, तो अगर 1 रखता हूँ तो 6 - 3 = 3 मतलब 1.5 आएगा, पॉइंटों में आएगा, इसलिए हम क्या कर देते हैं, y की जगह कितना रख देते हैं, 2। तो 2 रखेंगे तो 6 - 3 × 2 बट्टा
दो, 3 × 2 6 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा ऊपर 0, और 0 में अगर किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमारे पास कितना आता है 0। तो y का मान अगर आपने 2 रखा तो x का मान कितना आया 0। इससे पॉइंट दे देंगे a और इससे पॉइंट दे देंगे b। ध्यान रखना समीकरण निकाय को हल करेंगे तो दो रेखाएं बनेगी, और इस समीकरण अगर आपको एक दे रखी है तो रेखा बनेगी वो भी कितनी बनेगी 1। अब इसके पॉइंट दर्शाते हैं, x का मान 3, ध्यान रखना हमेशा पहले मान लेते हैं वो किसका लेते हैं x का, और फिर दूसरा मान लेते हैं वो किसका लेते हैं y का। तो x की तरफ कितना चलना है 3, तो 1, 2 और 3। y की तरफ चलना ही नहीं 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास a वाला, और उसके निर्देशांक क्या होते हैं 3, 0। पहले x का निर्देशांक लिखेंगे हमेशा और फिर किसका लिखेंगे y का। अगला पॉइंट 0, 2, x का मान 2 है और y का मान कितना है 0, x का मान 0 है और y का मान कितना है 2। x का मान 0 मतलब x पर तो आपको चलना ही नहीं है, और y पर कितना चलना है 2, तो 1 और 2। ये पॉइंट होगा इसके निर्देशांक क्या होंगे, x का मान 0 और y का मान कितना होगा 2। ये इक्वेशन आपके पास जो रेखा आ जाएगी वो किस तरह आ जाएगी, अगर रेखा होती ये समीकरण होता या चिन्ह किसका होता अगर बराबर का, तो आपके पास ये क्या हो जाता इसका ग्राफ बन जाता, और यहाँ आप क्या लिख देते कि 2x + 3y = 6। लेकिन आपको समीकरण नहीं देखे क्या दे रखी है, एस समीकरण दे रखी है। जब एस समीकरण दे रखी है तो इसका आपको क्या करना है, सुसंगत हल क्षेत्र, मतलब इसका हल क्षेत्र क्या आएगा। तो हल क्षेत्र के लिए देखो क्या करेंगे, इस एस समीकरण को लिख दो, यहाँ लिख देंगे एस समीकरण क्या दे रखी है 2x + 3y < 6। अब आपको क्या करना है, मूल बिंदु के निर्देशांक इस समीकरण में रखना है, और मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है x का मान भी कितना होता है 0 और y का मान भी कितना होता है 0। तो यहाँ लिख देंगे मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर, मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर जब मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे तो x का मान क्या रखेंगे 0, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, प्लस y का मान भी मूल बिंदु में कितना होता है 0, तो 3 × 0 भी कितना हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 6 से छोटा 0। क्या 0 6 से छोटा होता है क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 या तो 6 से छोटा है या 6 के बराबर है, बराबर तो नहीं है लेकिन 0 आपको पता है क्या क्या होता है कि 0 होता है वो 6 से क्या होता है छोटा। मतलब ये कथन दे रखा है, जो हमारे पास कथन आया है वो कथन सत्य है या असत्य, तो सत्य है तो यहाँ लिख देंगे जो कि क्या है सत्य है, 0 < 6 जो कि सत्य है, अतः इसका सुसंगत क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, सुसंगत क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है ना। अगर ये आपके पास जो कथन आ जाता है मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर, अगर ये कथन सत्य हो जाता है तो आपके जो सुसंगत क्षेत्र होगा वो किसकी ओर होगा, मूल बिंदु से। तो रेखा यहाँ दे रखी है और मूल बिंदु इधर है, तो जो क्षेत्र आएगा वो इस साइड वाला आएगा सारा क्षेत्र, ठीक है ना। इधर आप क्या कर दोगे, पेंसिल से थोड़ा थोड़ा डार्क कर दोगे, ठीक है ना। तो ये वाला इधर जो इस रेखा से इधर सारा मान आएगा वो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अगर क्या हो जाता, अगर यहाँ पे ये चिन्ह अगर एस सत्य आ जाता तो क्या होता, जैसे यहाँ आ गया ये समीकरण इस तरह हो जाती कि 2x + 3y > मान लिया कि 6 हो जाता, तो फिर क्या करते आप, x का मान क्या रखते 0 और y का मान क्या रखते 0, तो 0 क्या हो जाता 6 से बड़ा। कथन सत्य होता या असत्य, असत्य होता। अगर कथन असत्य है तो जो सुसंगत क्षेत्र होता इसका वो मूल बिंदु से दूर होता, और मूल बिंदु से दूर मतलब इस साइड होता, इधर मूल बिंदु है रेखा से, तो इस साइड वाला क्षेत्र आपके क्या कर लेते इसमें हल कर लेते, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया जो चौथी प्रश्नावली थी, उसके हमने दो तरह के क्वेश्चन ही दे रखे, तो इन दोनों तरह के क्वेश्चनों को किस तरह हल करना है हमेशा ध्यान रखना, जो पहले वाला क्वेश्चन करवाया था उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए ग्राफ वाले आलेख की विधि से, उस तरह के क्वेश्चन हल करने के लिए। और ध्यान रखना पहले आपको उनकी तुलना करनी है, उनका जो समीकरण निकाय है उनकी प्रकृति बतानी है, हल किस तरह का होगा और रेखाएं किस तरह की होगी। ग्राफ में ध्यान रखना पैमाना दर्शाना जरूरी है, और रेखाएं वगैरह ये सारी पेंसिल से ही बनाना है। इस तरह आपके पास क्या हो जाएगा 6 नंबर फिक्स हो जाएगा। बहुत छोटी प्रश्नावली है, 4-5 क्वेश्चन 4.1 में दे रखा है और 4-5 क्वेश्चन 4.2 में दे रखा है, उन सारे क्वेश्चनों को हल कर लेना। एक विविध में 4 पॉइंट जो चौथी प्रश्नावली विविध दे रखी है उसमें लास्ट के 2 क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उन दोनों क्वेश्चनों को भी हल कर लेना।
तो और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।